तो जीतू शुक्ला ने जिस एंटी स्लीप डिवाइस के बारे में हमें बताया, अब हम उसकी पड़ताल करने के लिए निकले हैं और देखेंगे कि वास्तव में डिवाइस काम करती भी है या नहीं करती है, और करती है तो किस तरीके से करती है और कितनी परफेक्ट है डिवाइस। ये जानने के लिए हम खुद अब जीतू शुक्ला के साथ इस गाड़ी पर चलेंगे और देखेंगे कि ये डिवाइस आखिर कैसे काम करती है। जीतू जी, एक सवाल और था मेरा आपसे कि ये जो डिवाइस आपने बनाई, इसको बनाने के बारे में सोचा आपने कैसे? देखिए, हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि यमुना एक्सप्रेस वे पे एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें 29 से ज़्यादा यात्री मर गए थे। मैंने उसके दूसरे या तीसरे दिन मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी बार बार कि क्यों ना कुछ ऐसा डेवलप किया जाए। जैसे आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने एक हेलमेट बनाया था जो कि कंपलसरी था, हेलमेट लगाने के बाद ही गाड़ी स्टार्ट हो रही थी और ड्रिंक करके भी वो कंट्रोल कर दे रहा था, गाड़ी चोरी वाला भी सिस्टम था कि नहीं हो सकती थी। तो उसी तरीके से दिमाग में आया कि अगर थोड़ा सा कोशिश किया जाए तो इस तरीके की चीज़ें डेवलप हो सकती हैं जिससे ड्राइवर को नींद या झपकी ना आए, और अगर आती है तो उस कंडीशन में वो अलर्ट हो जाए और इस तरीके की दुर्घटनाएं बचाई जा सकती हैं। और मेरा मानना यही है कि जितने भी युवा हैं अपनी अपनी फील्ड में अगर कुछ ना कुछ नया करते रहें तो बहुत सी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। तो अभी आप तैयार हैं चलने के लिए हमारे साथ? आइए चलते हैं। तो अब हम गाड़ी पर बैठने जा रहे हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये डिवाइस काम करती है। तो जीतू शुक्ला हमारे साथ है, उनके साथ हम चल रहे हैं। तो इस वक्त हम इस गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं और इस गाड़ी में एंटी स्लिप डिवाइस इंस्टॉल की जा चुकी है। अब हम ये देखेंगे कि इस सफ़र में कि गाड़ी में जो एंटी स्लिप डिवाइस लगी है ये वास्तव में काम करती है या नहीं करती है, और करती है तो किस तरीके से करती है, और डिवाइस किस तरीके की है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि हम अपनी गाड़ी यहाँ पर हम धीमी कर देते हैं या इस गाड़ी को यहाँ पर हम रोक देते हैं, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि ड्राइवर को अब शायद नींद आ रही है। तो हम ये मान लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे ये डिवाइस काम करती है। कि जैसा कि बताया था कि शुरुआती दो मिनट में ये डिवाइस जो ड्राइवर की एक्टिविटी है उसको रीड करती है। तो जीतू जी, सबसे पहले बताइए कि इस डिवाइस में क्या क्या है? इसमें देखिए, एक हूटर लगता है, एक इसका रिसीवर बॉक्स लगता है, एक सेंसर लगा हुआ है, और इसका जो फंक्शनिंग है वो शुरुआत में जैसे हम बैठते हैं तो शुरुआत के दो मिनट में ये रीड करती है ड्राइवर को। इसके बाद एवरी सेकेंड रीड किया करती है, उन पैरामीटर से मैच कराया करती है जो पैरामीटर शुरुआत में बैठने पे थे। इसके बाद में उसमें जब धीमे धीमे आदमी रात की तरफ बढ़ता है या थकावट की तरफ बढ़ता है, डलनेस आती है उसके शरीर में, तो उस चीज़ को रीड करती है। और तो एक लिमिट तक, एक उसकी सीमा है, तब तक ये कोई वर्क नहीं करती, लेकिन अगर उसके ऊपर ज़्यादा वो कर रहा है, डलनेस आ रही है, तो फिर ये फिर जो है वर्क करना चालू करती है। उसमें सबसे पहले एक रेड लाइट देती है, रेड लाइट के बाद में फिर बीप 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 की आवाज़ देगी, और इसके बाद नहीं तेज से अलार्म देगी। ये अभी हम आपको करके दिखाते हैं, हम सोने का जैसे नाटक करेंगे या सोने के मूड में जाएंगे तो ये एक्टिव होने लगेगी डिवाइस। जी जी, देख रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये देखिए रेड लाइट भी आने लगी, बीप भी आने लगी है, और अभी तेज़ से अलार्म भी आएगा क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूवमेंट जीरो है और हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बोल रहे हैं। देखिए तेज़ से अलार्म भी आ गया, इतने में सारे पैसेंजर जग सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम कुछ भी अलर्ट मोड में आते हैं तो अपने आप से ये बैक चली जाएगी। मतलब ये क्या लगा रखा आपने? ये सेंसर लगा हुआ है इसका, जो कि हमारी अपर बॉडी और जो है स्टीयरिंग के मूवमेंट को ये चेक किया करता है, हमारे स्टीयरिंग मूवमेंट पे, हाथों का जो मूवमेंट है स्टीयरिंग पे उसको भी चेक किया करता है। उसके पैरामीटर है कि अब आप अपना स्टीयरिंग से हाथ हटा लीजिए। हम अगर स्टीयरिंग से हाथ हटा लेंगे ये सिग्नल देगा? ये हाँ, अब ये सिग्नल देना चालू करेगा। कितनी देर में ये देखिए देने लगा सिग्नल? अगर अभी हम अगर फिर भी नहीं स्टीयरिंग पकड़ रहे तो इसके बाद में ये बीप आने लगी है, और बीप इतनी है कि आदमी कोई भी अलर्ट हो सकता है इतनी बीप से, अगर फिर भी नहीं तो तेज से अलार्म आने लगेगा चार चार सेकंड बाद में। अब ये देखिए आप, तेज़ से अलार्म आ गया है, ठीक है, इसका इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और अगर इतना नहीं है तो इसमें एक और ऑप्शन है कि हम गाड़ी बंद भी करवा सकते हैं एक लिमिट के बाद में। अच्छा। और लेकिन जैसे ही हम फिर जो है स्टीयरिंग पे हाथ और हम अलर्टनेस दिखाते हैं तो देखिए सब कुछ वापस वैसे ही हो जाता है। तो इसके इस डिवाइस के साथ में जब तक ड्राइवर अलर्ट है तभी तक जो है वो गाड़ी चला सकता है, नहीं तो फिर नहीं। तो निश्चित तौर पर हमने देखा कि डिवाइस काम कर रही है और डिवाइस बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है कि जैसे ही स्टीयरिंग से हाथ हटता है तो कुछ ही सेकंड बाद
पहले इसमें रेड लाइट जलती है, और रेड लाइट जलने के बाद हूटर चलता है। एक बार हम फिर से कह देते हैं, आपने जीतू जी अपना हाथ हटाइए, हम खुद देखना चाहते हैं इसको। अगर इसमें हाथ भी रखे रहेंगे हाँ। तभी भी उससे मतलब नहीं, अगर मेरा हाथ देखिए बिल्कुल स्टील है। अच्छा, अगर आप मूवमेंट नहीं है हाँ। क्योंकि आज की अब सड़क भी जो बनाई जाती है थोड़ा सा मूवमेंट वाली ही बनाई जाती है। हम अगर इस पे स्टील हाथ रख के भी छोड़ दे रहे तो भी देखिएगा आप, वो आ गई है लाइट, जलना शुरू, रेड लाइट जलना शुरू हो गई। इसी तरीके से अगर इस पे हमारा थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ तो देखिए बंद हो गई। तो मतलब हमें स्टेयरिंग पे मूवमेंट कहीं ना कहीं करते ही रहना चाहिए, और होता रहता है जैसा कि देखा गया। ये सिर्फ सोने के बाद में ही नहीं होता है, या जब सोने से पोजीशन जब पहुंच रहे होते हैं तो हमारा मूवमेंट कम हो जाता है, तो उसको ही धीमे धीमे करके मैच कराती है। अभी तो हम एक्चुअल सो नहीं रहे, अगर एक्चुअल सोएंगे तो ये और अच्छा काम करती है, सिर्फ तो एक सोने का नाटक कर रहे हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से ये डिवाइस काम कर रही है। निश्चित तौर पर ये डिवाइस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने इस पर प्रयोग भी शुरू किया है। करीब 50 बसें जो हमारे डिपो की हैं वो उसमें इस डिवाइस को लगाया गया, जिसका ट्रायल सक्सेसफुल रहा है, और 3-4-5 महीनों से ये डिवाइस लगी हुई है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि सोने की वजह से, ड्राइवर को झपकी आने की वजह से या उसके सोने की वजह से कोई दुर्घटना नहीं हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे पे जो हादसा हुआ था उसके बाद से परिवहन विभाग ने सबक लिया, और जीतू शुक्ला के सहयोग से इस डिवाइस को इंस्टॉल किया गया है। तो अब आगे हम देखेंगे कि ये डिवाइस में क्या क्या है, और समझेंगे कि इस डिवाइस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये डिवाइस काम कर रही है, अब हम देखेंगे कि दरअसल ये डिवाइस है कैसी और कितने हिस्सों में होती है। जीतू जी, ये डिवाइस कितने हिस्सों में होती है, उसको खोल कर दिखाइए आप हमें। तीन हिस्से होते हैं, आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि इसमें अभी हम देखें तो एक ये मेरा हो गया रिसीवर वाला पॉइंट। अच्छा, ये जो डैशबोर्ड के अंदर लगता है, और जैसे इसमें देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ कार, तो ये कार के लिए है। इसमें अगर बस या ट्रक लिखा होता तो ये बस या ट्रक के लिए होती। नीचे सीरियल नंबर पड़ा होता जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें डिवाइस मेरी है और कब बिकी हुई है। तो एक ये हिस्सा हो जाता है। सेकेंड, ये जो कार के डैश ऊपर सामने शीशे पे लगा हुआ था, हम आपको जो दिखा रहे थे ये वाला हिस्सा, ये ऊपर लगता है। फिर एक तीसरा हिस्सा होता है हूटर का, जैसे कि ये एक हूटर होता है। ये सब चीज़ें इससे जुड़ जाती हैं। तो ये जो वायर है इनमें हूटर और सप्लाई दे दी जाती है। सबसे तारीफ की बात ये है कि इसमें किसी भी तरीके से कोई भी गाड़ी हो, किसी भी तरीके की वायर कटिंग नहीं है, क्योंकि इसको किसी से मतलब नहीं होता। सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव मीन्स 12 वोल्ट की सिर्फ सप्लाई, या कार ट्रक की है तो 24 वोल्ट की सिर्फ सप्लाई, 24 से 36 वोल्ट की जो भी अवेलेबल है वो देनी पड़ती है, और ये जुड़ के आपस में और फंक्शनिंग हो जाती है। अफोर्डेबल है क्योंकि चलिए सरकारी, आपने लगाया कि सरकारी बसों में लगाया तो चलिए ठीक है, वो सरकार के पास बड़ा बजट है, उन्होंने आपकी डिवाइस ली, लेकिन अगर आम व्यक्ति आदमी इसको इस्तेमाल करना चाहे तो क्या उसको ये अफोर्ड कर सकता है? सर ये इतना अफोर्डेबल है कि आम आदमी की जो सोच होगी ना उससे कहीं ज़्यादा ही नीचे इसका प्राइस है, और गवर्नमेंट को भी जिस रेट में हम दे रहे हैं उस रेट में कभी वो भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतने कम पैसे में इस तरीके की डिवाइस हमको मिल पाएगी। तो देखिए, ये है जीतू शुक्ला जी जिन्होंने हमको दिखाया और हमारे साथ गए भी और बताया कि किस तरीके से डिवाइस काम करती है, और जान की सुरक्षा के लिए अगर कहा जाए तो ये डिवाइस बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से बीते दिनों में दुर्घटनाएं देखने को मिली उसको रोकने में ये बहुत मददगार साबित हो रही है, और उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग इसको बाकी बसों में भी, अभी 50 बसों में इसको इंस्टॉल किया गया है, आगे जो बाकी सारी जो बसें हैं पूरे बेड़े में इसको इस्तेमाल करने की योजना बन रही है। और ये प्रोडक्ट आम आदमी के लिए भी ज़रूरी है, जो वाहन चलाते हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है, उनकी भी जान की हिफाजत कर सकता है। कैमरा पर्सन संजीव गुसाई के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।